हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक वोटिंग हो रहा है टाइम स्लॉट का कि कौन सा टाइम पर आप सबसे ज़्यादा ऑनलाइन होते हो, तो उसी टाइम के दौरान मैं पोस्ट डालूँगी ताकि आप लोग सब लाइव पर आ सको। ठीक है, ओके। आज का टॉपिक है कि आप किस प्रकार का जेलेसी एक्सपीरियंस कर चुके हो, कर रहे हो या करने वाले हो। ठीक है, टाइप ऑफ जेलेसी। ओके, ये थंबनेल में भी मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, अगर हम वहाँ से सिलेक्ट करना आपके लिए आसान होता है, फाइन, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो। पाथ फाइल्स है, आप पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, सिलेक्ट कर लो एंड देन वील स्टार्ट। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद फाइल नंबर वन। ठीक है, फाइल वन। फाइल वन, आई फील कि आपके एम्बियंस में कोई ऐसा है जो जिसने सोचा नहीं था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट आप सक्सेसफुल हो गए। चाहे वो किसी भी काम में, आप उन्हें नहीं लगा था कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे या उस सिचुएशन को पार कर पाओगे। आपको आई डोंट नो क्लैरिटी मिलेगी या लेवल अप कर पाओगे, और आप जेलेसी और नफरत के एक कॉम्बिनेशन के साथ वो आपके सक्सेस के लिए अपने आप को क्रेडिट ठहराने की कोशिश करें। जैसे आई एम बीइंग कॉल्ड टू से दिस, पकड़ लो आप मेरे कुछ बात सुन के आपको क्लैरिटी मिली। ठीक है, और आपने कोई बहुत बड़ी परीक्षा पार कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको आपके लिए क्रेडिट दूंगी। डिफरेंस को देखो, मैं आपसे कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत से लोगों को मिलते हैं, पर वो कभी बहाने मारते हैं, कभी लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कभी उनकी खुद की लेजीनेस होता है, वो एक्सक्यूजेस डालते हैं, समय सही नहीं होता है, बहुत से रीज़न से समहाउ वो सक्सेस को हासिल नहीं करते, उस लेवल को वो पार नहीं कर पाते। बट आपने किया, मैं सिर्फ एक निमित्त बनी उस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए, उस आइडिया को आप तक लाने के लिए। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी, मैं आपको क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया था, एक इंफॉर्मेशन दी थी, बट उसे फलित करना, उसे अबंडेंस में कन्वर्ट करना, उसे मैनिफेस्टेशन में टर्न करना, वो आपकी मेहनत है। दिन रात जा करके अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला करके, आपको जो भी चेंजेस लाने थे सारे चेंजेस ला करके, एडजस्टमेंट्स करके, बड़े बड़े यू नो डिसीजंस लेके आपने लिटरली अपने समय को बदला। ठीक है, तो ये आपका सक्सेस है, राइट? तो मैं आपके लिए खुश होंगे एंड आप मेरे साथ वो हैप्पीनेस शेयर कर पाओगे। बट ये जो पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे इस वक्त, जो जेलिस वाइब्स आपकी तरफ सेंड कर रहे, सबसे पहले उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, उन्हें नहीं लगा था कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, एंड नाउ जब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, सब आपके आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो दे आर लाइक मेरे वजह से हुआ, मैंने उसे वो आइडिया दिया था, मैंने उसे उस काम की जगह पे लेकर के गया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। तो बेसिकली ये पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपको आपके लिए क्रेडिट नहीं दे रहे कि ये आपकी मेहनत है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इंसान के साथ बात करते वक्त, ठीक है, आपको थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा कि यार दिन रात एक करके मैंने उसको इस चीज़ को पूरा किया है, और ये सिर्फ एक आइडिया देख के सारे क्रेडिट को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लाइक व्हाट द हेल। बट देन इसकी जेलेसी, इसकी हेटेड कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके बोलने से पहले कोई और है जो उन्हें याद दिला देगा कि हाँ आइडिया उन्होंने ज़रूर दिया, बट मेहनत आपकी थी, राइट? तो ये पर्सन लिटरली आपके सक्सेस को अपना सुनाने की कोशिश कर रहे। इट्स काइंड ऑफ वी हैव द जजमेंट,
एंड वी हैव द स्ट्रेंथ. यस, ये पर्सन लिटरली आपको सक्सेसफुल होते हुए अपने स्ट्रेंथ को गैदर करते हुए उनकी जो ये आखिरी कोशिश है आपके क्रेडिट्स को छीनने का, ठीक है, आपके सक्सेस को अपना कहने का. आप फॉर सम टाइम आई फील कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑब्लिगेटेड फील करें. यू विल बी लाइक, यू शुड बी थैंकफुल कि हाँ तुमने सही समय पे मुझे एक सही रास्ता दिखाया, ठीक है, इस बात का मैं तुम्हें श्रेय जरूर दूंगी. बट एंड ऑफ द डे मेहनत मेरी है, ठीक है ना. तो वो लिटरली ये बोल के भी, अपना जेलेसी एक्सप्रेस करके भी वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है ये एक्चुअली जजमेंट कॉल कर पाएंगे, उन्हें दिखा पाएंगे कि हाँ ठीक है आइडिया तेरा था बट दिन रात को मेहनत करके उसी ने पूरा किया है. मौके बहुत से लोगों को मिलता है पर हर किसी में, कुछ लोगों में टैलेंट होने के बावजूद भी अपने खुद के लेजीनेस की वजह से वो चीज़ों को पूरा नहीं करता. इससे आपको आपका स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगा और आप ऑब्लिगेटेड फील नहीं करोगे, आप आराम से मुस्कुरा के उन्हें थैंक यू बोल के आगे नहीं कर पाओगे. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ जेलेसी जो पाइल नंबर 1 फेस कर रहे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 कोई एक टाइम स्टैम्प कर देना, 6:40. ओके, पाइल नंबर 2 आई फील कि ये वर्क प्लेस का जेलेसी है कि कोई है जो आपको कॉपी करने की कोशिश किया है. लाइक जो आप कर रहे थे वो भी वही चीज़ कर रहे थे, लाइक एक ही जगह पे आप काम कर रहे थे, ये अलग कलीग्स, ठीक है, उन्होंने ट्राई किया था बट दे टुक द हार्डर रोड. उन्होंने जो टेक्निक यूज़ किया उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए या वो कुछ लैक कर रहे थे. लाइक उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उन्होंने somehow गिव अप कर दिया, ठीक है. कुछ कमी थी उनके कोशिशों में या उस प्रोसेस में कुछ था जो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उनका जो आइडिया था वो वर्कआउट नहीं किया. बट somehow आपका आइडिया वर्कआउट कर गया, ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज जेलस कि आपको कैसे प्रमोशन मिल गया, आपका पैसा रेस कैसे हो गया, सब आपके लिए क्यों तालियों मार रहे. देर वो लिटरली खड़े हो गए कि ये कह रहे हैं कि वो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था. लाइक लिटरली वो मुझे मिलना चाहिए था, वो मेरी जगह है. आई एम फीलिंग कि शायद इनमें से पाइल 2 आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं. ये पर्सन जो भी है, दिस इज़ अ वेरी अग्रेसिव एनर्जी टू द पॉइंट कि वो उठ करके आ सकता है आपसे झगड़ा करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है. आई एम लिटरली सीइंग टू पीपल फाइटिंग, एक चिल्ला रहा है दूसरा अपने आप को डिफेंड कर रहा है. फैक्ट यही है कि उन्होंने भी कोशिश की थी, पीठ पीछे सबके सामने नहीं, उन्हें लगा था कि वो सबको सरप्राइज कर देंगे बट सरप्राइज आपने सबको कर दिया क्योंकि आपका प्लान वर्कआउट कर गया. यू गॉट इट करेक्ट, ठीक है, आपने पूरी तरीके से सही ढंग से आपने किया है एंड यू गॉट द क्रेडिट एंड दे डिडंट, ठीक है. इट्स लाइक दे फील कि ये सक्सेस उनका होना चाहिए था, आपका नहीं. यू नो अभी इमीडिएटली मैं देख रही हूँ, ठीक है ना, इंस्टाग्राम मॉडल्स एंड जो टैलेंट्स है, ठीक है, यूट्यूबर्स है, उन्हें बड़े स्केल में, ठीक है, इंडस्ट्री में मौके मिल रहे हैं सीन्स के लिए एंड ऑल. एंड बहुत से लोग उनसे जल रहे हैं, स्पेशली उनके कॉम्पिटिटर्स से कि यार मैंने सालों साल अपने आप को यू नो क्लास में भर्ती किया है, आई डिड माई एक्टिंग क्लासेस, मैंने इतने साल यू नो रियाज किया है, ये किया है, वो किया है, प्रैक्टिस किया है, एंड देन आप आते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो. लाइक दीज पीपल आर लाइक, मैंने लिटरली इतना पैसा खर्चा किया है, ठीक है, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, एक्सपेंसिव कैमराज एंड ट्रेनर्स, ठीक है, सब
ऑर्गेनाइज करने के लिए, डांस, आई एम हियरिंग डांस ट्रेनर्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए. और आप यहाँ पर यू नो प्रॉब्ली आपकी कोई बैकग्राउंड ट्रेनिंग नहीं थी प्रॉपर, ठीक है, आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, बट समहाउ आपका टैलेंट सबको आउटशाइन कर गया. इट्स एन इनबॉर्न टैलेंट जो आप में है एंड यू गॉट सिलेक्टेड, ठीक है ना. इट्स लाइक एफर्टलेस आप में टैलेंट है, आपको एक्चुअली ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ गॉड गिफ्ट, ठीक है, और ये आपका टाइम है. ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रगल नहीं किया, ठीक है. जब वो लोग अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है, पैसा खर्चा कर रहे थे अपने आप को तैयार करने के लिए, आप जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को देख रहे थे, ठीक है. आपने लिटरली लाइफ से एक्सपीरियंस जुगाड़ करके आपने अपने आप को तैयार किया, लाइक जिंदगी ने आपको तैयार किया, लाइफ ने आपको तैयार किया, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना. आप जिंदगी के जो परीक्षा है आप उसमें सफल होते हो, अभी हो रहे हो, ठीक है. इट्स योर टाइम टू शाइन. आपने बहुत लाइफ में धक्के खाए हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं, रात जागे हैं, बहुत तकलीफ देखे हैं, और अब इट्स योर टाइम, इट्स सिंपली योर टाइम, ठीक है ना. बट आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे जल रहे हैं, उन्हें आपकी इन तकलीफ़ों से दूर दूर तक उन्हें आइडिया नहीं है, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं, आपका टैलेंट इतना स्मूथ है, आप इतने दिल से परफॉर्म करते हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, इतने दिल से करते हो कि लोगों को देख के लगता है कि आप कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो. इट्स एफर्टलेस, स्मूथ. आप बहुत, आप जिस तरीके से काम करते हो ना, लोगों को देख के लगता है कि बहुत आसान है, पर आपने पहले से सालों साल कितना मेहनत कर लिया है. वो एक एक पोस्चर, वो एक एक एक्सप्रेशन, एक एक स्ट्रोक, एक एक स्ट्रोक को परफेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आपको गिनना संभलना पड़ा है, उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो जानना भी नहीं चाहते. दे आर जस्ट हेटिंग कि आपको मौका मिला है, उन्हें नहीं, ठीक है. एंड आई फील देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो अपने आप को इस बारे में एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते. वो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन पायल टू, आई फील कि आप लोगों को शो नहीं करना चाहते कि आप कोई विक्टिम हो, क्योंकि आप अपने आप को एज अ विनर आप अपने आप को देखते हो कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत मुश्किल झेली है, पर मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं जिंदगी का विक्टिम हूँ ही नहीं, आई एम अ सर्वाइवर. और आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को बेचारा नहीं दिखाना चाहते हो, जिसकी वजह से बहुत जगह पे यू विल, आप रियलाइज़ करोगे कि आप रोना धोना नहीं करते हो, आप एक्सक्यूजेस नहीं डालते हो, ठीक है, आप लोगों के यू नो सिंपथी गेन करने के लिए कोई सैड स्टोरी नहीं सुनाते, आप बस कहते हो कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया था, एंड इससे मैंने ये सारी चीज़ें सीखा है, एंड ये चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में, बेहतर बनने में हेल्प किया. बट देर इज़ नो ट्रेस ऑफ यू बीइंग वीक, यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि जो आपने लाइफ में धक्के खाए हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुका है, ठीक है. आप अपने आप को एज अ हीरो ऑफ योर ओन लाइफ देखते हो, एज अ हीरोइन ऑफ योर लाइफ देखते हो, बट विक्टिम नहीं देखते, ठीक है. ये कॉन्फिडेंस आपको आपके सेल्फ बिल्डिंग से मिला है, सैक्रिफाइसेस से मिला है, ठीक है ना. और ये जो कॉन्फिडेंस है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा. यू हैव द चैरियट एंड यू हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स. आप आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो गया, आप ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी टेक ऑफ कर चुका है, और लाइक हाई हॉर्स बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ रही हो. आपको एक मौका चाहिए था अपने आप को, अपने टैलेंट को शो करने के लिए. आई एम फीलिंग कि एक देयर इज अ सेंस ऑफ सरप्राइज एज वेल, क्योंकि जब आपने अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देखा था, समहाउ आपको थोड़ा ऐसा लगा था कि कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड कुछ ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स थे, कलीग्स थे, जो जिनमें सच में आपके जैसा ही टैलेंट है, एंड आपको लगा था कि चांसेस है कि उन्हें भी मौका मिले, ठीक है ना. बट
आप बहुत स्ट्रॉन्गली इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लाइक बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, और आपको मिलता है एंड यू डिफेंड दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर लाइक आई एम टेकिंग इट. मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत बार अपने आप को यू नो लो लेवल पे रख के, ठीक है, दूसरों को मौका दिया है, अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपने आप को भूखा रख के, अपने आप को यू नो पीछे रख के दूसरों को मौका दिया है ताकि उन्हें उनका यू नो स्पॉटलाइट मिल सके. बट अब वो नहीं करना, आप नहीं करना चाहते, आप अपने आप को मौका देना चाहते हो. इट्स लाइक यूनिवर्स, बिकॉज चैरिट इज ऑल्सो डिवाइन कार्ड, दिस इज ऑल्सो डिवाइन इंटरवेंशन. इट्स लाइक डिवाइन खुद आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको और अपने आप को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जितने लोगों को हेल्प करना था, जिन लोगों को बिल्ड करना था, बैकअप देना था, आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग हो जो फाइनेंशियली अपने भाई बहनों को सपोर्ट कर चुके, लाइक अपने फैमिली का ध्यान रख चुके हैं, ऑल दैट स्टफ. तो देयर लाइक तुम्हें जितना करना था दूसरों के लिए आप कर चुके हो, अब अपने लिए करो, ठीक है. इट्स योर टाइम टू शाइन, ठीक है. दैट बी माई पाइल टू. पाइल थ्री का देखते हैं. पाइल थ्री टाइम स्टैम्प 1622. पाइल थ्री के लिए मैसेज. पाइल थ्री. ओके, पाइल थ्री, आपका यहाँ पर कोई है जो किसी को रिजेक्ट कर चुका है और उन्हें रिजेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है, या तो ओ ओ ओ अच्छा अच्छा ओके लिसन. जब आप अपने एक्स के साथ थे, प्रीवियस रिलेशनशिप में, या अभी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आई एम हियरिंग कि आपका जो पर्सन है, दिस इज मोस्टली लाइक एन एक्स, मुझे एक्स वाली वाइब आ रही है, गॉन गॉन चला गया वाला वाइब आ रहा है. इट्स लाइक आप जब रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को प्रपोज किया था, ठीक है, और आपके पर्सन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. इसलिए नहीं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में, वो जेन्युइनली उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया कि वो उन्हें पसंद नहीं करते, दे आर लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट समहाउ ये जो थर्ड पार्टी है वो आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पर्सन ने आपके लिए उन्हें रिजेक्ट किया है और वो आपको रिप्लेस करना चाहते थे, वो आपकी जगह लेना चाहते थे आपके पर्सन के लाइफ में, जो कि नहीं हो पाया, और अब उन्हें बहुत जलन हो रही है, ठीक है ना. इट्स आई एम हियरिंग कि बहुत एक साल काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन आपसे हेट करता है, और अगर आपको कभी ऐसा लगा कि कोई है शायद आपकी तरफ नेगेटिव वाइब सेंड करते हैं बट आप एग्जैक्टली उंगली नहीं रख पा रहे थे, दिस इज दैट पर्सन, ठीक है ना. आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन बहुत लॉयल है, ठीक है. ये जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये जा जाके आपका नाम ख़राब करने की, कॉन्स्टेंटली नाम ख़राब करने की कोशिश करे, लेकिन आपके जान पहचान वालों से जा कर के कहने की कोशिश करे कि आप कितने बुरे हो, आप ये हो, आप वो हो, बट वो जिनसे बात करे आपके बारे में, इंक्लूडिंग योर एक्स, वो आपको डिफेंड करे. ये बात शायद आपको बहुत सरप्राइजिंग लगे कि यार मेरा एक्स मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे क्यों डिफेंड करेंगे, बट नहीं, एक्चुअली आपका जो एक्स है या आपके एक्स फ्रेंड्स है, ठीक है, अगर कोई आपके दोस्ती आपके दोस्त को आपसे छुड़ाना चाहते थे, आपकी जगह लेना चाहते थे, तो वो एक्चुअली आपको डिफेंड करें कि नहीं, हमारे बीच में आज हम ब्रेकअप कर चुके हैं, हम अलग हो चुके हैं, या बात नहीं करते, वट एवर इट इज़, बट मैं पाइल थ्री को जानता हूँ, या मैं पाइल थ्री को जानती हूँ, दिस पर्सन इज़ गुड. तुम जो भी बोल रहे हो ना, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, ठीक है ना. तो हो सकता है कि आज आप उन लोगों के साथ नहीं हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे लोग अगर आपके नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो भी एक्सेस है, एक्स फ्रेंड, एक फैमिली, एक लवर, फ्रेंड्स, जो भी है, एक्स कलीग्स एंड हियरिंग, उन्हें आज भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बुराई सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे आर डिफेंडिंग यू, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई आपके बारे में बकवास करे. दैट्स जस्ट फॉर इट. ओके,
लेट्स जस्ट गेट अ कार्ड फॉर यू गाइस. Yeah, we have the communication and we have the heartbreak. Yeah. This person name, आपका जो ex है या ex friends है, उन्होंने कुछ बहुत ही harsh कहा था और कह के कि इस person का दिल तोड़ा था. ठीक है ना, उन्होंने शायद कहा होगा कि तुम बराबरी करने की कोशिश मत करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग वेरी रूड. आपके एक्स ने बहुत रूड तरीके से, यू नो रियलिटी चेक जिसे देना कहते हैं ना, कि आईना देखो तुम एक्चुअली ऐसे हो, ठीक है ना, और मुझे तुम्हारा सच पता है. आई एम सॉरी, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो क्या, हम दोस्त भी नहीं हो सकते. दिस इज़ योर रियलिटी, यू आर अ वेरी वीक पर्सन. ठीक है ना, आई डोंट हियर देयर इज़ अ कंपैरिजन कि उन्होंने आपको उनके साथ कंपेयर किया है. नहीं, यहाँ पर उन्होंने आपको कंपेयर नहीं किया, उन्होंने ना कहा था उस थर्ड पर्सन के रियलिटी को देख करके. ठीक है ना, तो आपके पर्सन ने एक्चुअली इस थर्ड पर्सन के सच को ऑलरेडी जानते थे या वो देख चुके थे, उन्हें कुछ सुनने में आया था, या दे न्यू दैट दिस थर्ड पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक. ठीक है, ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में वो घुसे चले आ रहे हैं एंड आपकी बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस उस थर्ड पार्टी में कुछ ऐसा था जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. प्रॉब्ली वो उनकी नीयत अच्छी नहीं थी ऑफकोर्स, तो आपके पर्सन ने एवी उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो क्या, मुझे ऐसा दोस्त भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अराउंड मी. ठीक है ना, तो द वेरी हार्श तरीके से उन्होंने कहा था कि ये थर्ड पार्टी को ना बहुत बुरी तरीके से चुप किया, एंड अब वो अपनी ये सारी नफरत और जेलेसी वो आपके तरफ डायरेक्ट करते हैं. हालांकि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जो हो जरूर गया है, बट समहाउ दे स्टिल हेट. ओके, दैट बी माय नंबर 3. नंबर 3 फिनिश्ड. नंबर 4 देखते हैं. नंबर फोर के लिए कार्ड्स प्लीज. ओके, नंबर 4 यहाँ पर कोई है जो स्टैगनेंट हो गया. ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रॉब्लम आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा है. ठीक है, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, जो आपको पाना चाहते थे. हियरिंग कि यहाँ पर गेम्स खेले गए थे, तो आप जब उनके साथ थे उन्होंने शायद आपको ग्रांटेड ले लिया होगा, या किसी वजह से आप उनके बीच में ब्रेकअप हो गया, लाइक आपने उन्हें छोड़ दिया, या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था. दे थॉट कि आप वर्थ इट नहीं हो. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के वर्थ इट नहीं हो, या फिर वो आपको चीट कर सकते हैं, और जब चाहे वो आपको हासिल कर सकते हैं, यू नो लिटरली आपको एक डोरमैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि जब मन आया खेले, फिर मन भर गया फेंक के चले गए. ऐसा एक बहुत ही रूड, बहुत ही हार्श एक बिहेवियर उनका आपकी तरफ रह चुका है, और उन्हें लगा था कि जब उनके पास और कोई काम नहीं होगा, कोई और ऑप्शंस नहीं होंगे, उनका जब मन होगा तो वो वापस आ सकते हैं आपके पास और दोबारा आपके फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा. ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसा लेवल अप किया है कि आपकी एनर्जी, आप तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, आपकी एनर्जी फील्ड के आसपास भी ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं, और अब उनका गुस्सा, उनकी जेलेसी उभर उभर के बाहर आ रही है. कि प्रॉब्ली अभी रिसेंटली आपका कोई ग्लो अप हुआ था, प्रॉब्ली आप कोई शिफ्ट किए, कोई प्रमोशन हुआ है, कुछ लेवल अप हुआ है, लेट्स जस्ट से लाइक कुछ लेवल अप, कुछ अमेजिंग हुआ है आपके लाइफ में. ठीक है, या तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या कुछ हुआ है जिससे आप लोगों के नज़र में आ रहे हो. देयर इज समथिंग अबाउट योर एनर्जी जो चेंज हो गया, एंड इट्स बिकम वेरी अबंडेंट. ठीक है, प्रॉब्ली आप बहुत लंबे समय तक अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करें, तो और फाइनली आपको वो ताले की चाबी मिल गई है, एंड इमीडिएटली आपका अबंडेंस खुल गया, आपने फाइनली अपने डर का सामना कर लिया, आपका रूट चक्र ओपन हो गया, या यू नो आपका जो एक कोडिपेंडेंसी थी आप उसे हील कर चुके हो, और आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो. ठीक है, आप अपने लिए पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो ना. दिस पर्सन वांट्स अ पीस ऑफ इट, वो चाहते हैं कि अब आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो उसका एक हिस्सा आप उन्हें मिले. ठीक है, एंड
उन्हें लगा था कि वो जब चाहे वो वापस आकर के वो अपना हिस्सा आपसे छीन सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आपसे ले सकते हैं, बिना पूछे आपसे ले सकते हैं, ठीक है, बट देन ऐसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे आर फकिंग स्टक. यूनिवर्स उन्हें आपके आसपास भी आने नहीं दे रहे, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है. आई मीन यहाँ पर ऐसे भी कुछ है जो आपकी तरफ डार्क एनर्जी सेंड करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि उन्होंने जिसको अपने दिमाग में रख करके सेंड किया था वो आपका पुराना वर्जन था, ठीक है, और अब आप आपकी एनर्जी चेंज हो गई है. तो इट्स लाइक आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट भेजा है, अच्छा हो बुरा हो कोई गिफ्ट भेजा है, पर उस इंसान ने अपना एड्रेस बदल लिया तो वो गिफ्ट वापस आ जाता है. तो इट्स लाइक उन्होंने आपके लिए एक नेगेटिविटी सेंड की थी, पर अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो वो पार्सल वापस उनके पास लौट के चला गया. एंड इट हिट देम रियली हार्ड, कार्मा हिट देम हार्ड. तो वो जो आपके तरफ सेंड करना चाहते थे उससे वो खुद बन चुके हैं. आई एम हियरिंग कि उनके पास मौका था आपको सपोर्ट करने का, आपको हेल्प करने का, पर उन्होंने आपको कभी हेल्प किया नहीं है. लाइक वो एक पोजिशन में थे, प्रॉब्ली ये पेरेंट हो सकता है या हस्बैंड वाइफ हो सकता है जिसके पास फाइनेंस थे, वो आपके सपनों को सपोर्ट कर सकते थे. आप जब बीमार पड़े थे वो आपकी देखभाल, आई एम हियरिंग डॉक्टर फीस भर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं है. आपने आपके पास जो कुछ भी है आपका खुद का है, आपकी खुद की मेहनत का है. आपको फाइनली आपका अबंडेंस आपको आप यूनिवर्स की तरफ से वो सब कुछ मिल रहा है. इट्स अ स्टार्टअप जहाँ पर आप धीरे धीरे अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हो, ठीक है ना. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ पार्ट ऑफ इट, जो उनसे नहीं हो पा रहा है. एंड दिस इज वाई आई एम हियरिंग कि जब वो हार जाएंगे ना, जब वो फाइनली रियलाइज कर पाएंगे कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, कि आप उनके पहुंच से बहुत दूर चले गए हो, दे विल बी लाइक दूर मुझे वो नहीं चाहिए था एनीवेज. वो ऐसे बिहेव करेंगे, बट देन दे स्टिल नो द ट्रूथ राइट, कि वो चाहते हैं. इट्स अ वेरी गिल्टी कॉन्शियस कि उन्हें दे फीलिंग बैड कि उन्हें आपको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, और उनसे गलती हुई है, वो गलती मानना नहीं चाहते हैं, पर वो दूसरों के सामने अपने आप को वीक भी शो नहीं करना चाहते. सो दे आर ट्राइंग टू से कि यू आर नॉट वर्थ इट, बट देन इट्स ऑन देयर फेस. आपका सक्सेस, आपकी खुशियाँ, इट्स ऑन देयर फ्रीकिंग फेस. वो इसे डिनाई भी नहीं कर सकते कि दे डोंट वॉन्ट इट, इट्स शोइंग ऑन देयर फेस कि वो चाहते हैं, बट देन वो हासिल नहीं कर सकते. इट्स लाइक समझ रहे हो ना, यू बिकम अनरीचेबल बेसिकली. बट या वी हैव द डेथ कार्ड, तो आप अगर रह रहे थे, आप इनकी तरफ से डार्क एनर्जीज रिसीव कर रहे थे, आप एनर्जी पुल फील कर रहे थे, इट्स गोइंग टू कम टू एन एंड, ठीक है ना. अगर ये आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि somehow वो adamant होकर के जताने की कोशिश करते हैं कि उनका कोई हक है एंड ऑल दैट स्टफ, आप उस पर डीएन लगा सकोगे, आप लिटरली फक ऑफ कर सकोगे, ठीक है. दैट बी माई पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 या मच्छर. ओके, पॉइंट नंबर 5 is 29 minutes 2 seconds. जो भी टाइम स्टैम्प कर रहे हो टाइम देख लेना प्लीज. शुड आई चेंज द डेट? नहीं, ये पाइल नंबर 4 है ना. माय गॉड, आई गॉट मिक्स्ड अप. सॉरी सॉरी, ये पाइल नंबर 4 है. बट देन आई से पाइल नंबर 5. I number 4. मैं कंफ्यूज हो गई, पाइल नंबर 4 है या पाइल नंबर 5.
एनीवेज लेट्स जस्ट से फाइल नंबर 4 या 5 को ये थी, मुझे ये रिकॉर्डिंग वापस से देखना पड़ेगा। ओके देर इज एन इन्फ्लुएंसर, या आप हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आई एम हियरिंग देर इज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, एंड वो आज से जलते हैं, देर इज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। उन्हें लगा था कि वो लीडर बनेंगे, ठीक है, बट आपको लीडर चुना गया है और इस बात से उन्हें बहुत जलेसी है। लिसन, जो द अनॉइंटेड वंस है ना, जो द रियल अनॉइंटेड वंस है, द चोजन वंस, दे आर टू लीडर्स, ठीक है ना। वो अकेले कभी नहीं बढ़ते, ठीक है ना। जो भी होता है पहले, जो भी तूफान होता है पहले उनका सामना ये चोजन वंस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम से जूझते हैं, सोल्यूशंस ढूंढ निकालते हैं और फिर वो दूसरों के साथ उन्हें शेयर करते हैं, और जो भी उन्हें फॉलो करता है, ठीक है, इस लीडर, इस चोजन वन के साथ साथ उनकी भी लाइफ बदलती है और वो भी लेवल अप करते हैं, ठीक है। सो माय पाइल नंबर 4, 5, ठीक है, 4 and 5 आई विल हैव टू जॉइन टुगेदर। आप बेसिकली एक अमेजिंग लीडर हो, ठीक है। आप चाहे आई एम हियरिंग ब्लड डोनेशन कैंप, डॉक्टर हो सकते हो, मिलिट्री में हो सकते हो, पॉलिटिक्स, राइट, इसलिए मैं झंडे देख रही थी, राइट, झंडे देख रही थी, या पॉलिटिक्स में हो सकते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक अचानक से प्रॉब्ली आपने सोचा नहीं होगा एंड आपको चुना गया होगा किसी चीज़ को लीड करने के लिए। इट्स बिकॉज आपके आसपास वालों को आपका टैलेंट दिखता है, दे रियलाइज कि जिस तरीके से आप काम करते हो ना, वो सिर्फ आपके लिए फल नहीं लेकर के आते, बल्कि अब तक जो लोग आपको फॉलो कर चुके हैं उनके लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है। एक बॉस क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सबसे लेता है, सबसे काम निकलवाता है और अपने आप को आगे के रास्ते लेकर के जाता है, सक्सेस के रास्ते लेकर के जाता है, ठीक है ना। बट एक लीडर अकेला ही नहीं बढ़ता है, वो अपने साथ साथ उसके काम करने के तरीके की वजह से, क्योंकि वो अपने विजडम को दूसरों के साथ एक्सटेंड करता है, ठीक है ना, वो दिखाता है, लिटरली वो उस रास्ते पर चल के दूसरों के लिए वो रास्ता बनाता है, इसलिए उनके पीछे चलने वाले उनके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉलोअर्स है वो 2 नंबर पे है, नो, इट जस्ट मीन्स इट्स अ ब्लेसिंग कि कोई और हमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं, ठीक है, और हमारे लिए रास्ता बन चुका है। इट्स लाइक पकड़ लो किसी नए वेकेशन स्पॉट पे आपको जाना है, कोई नई जगह है जो अभी अभी लोगों को पता चला है कि वो जगह है, ठीक है, बट अगर उसका रास्ता अभी तक बना नहीं है, ठीक है, आप जाओगे कैसे। तो ये जो लीडर्स होते हैं पहले उस रास्ते को तय करते हैं, रास्ता बनाते हैं, और फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बाद जो आते हैं उन्हें एक स्मूथ रास्ता मिल जाता है, यू नो, लॉन्ग ड्राइव करते हुए पहुंच जाते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि कोई पहले आपसे पहले उस रास्ते को अपना चुके हैं और आपके लिए वो रास्ता स्मूथ हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ये पर्सनल बात बता रही हूँ, जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी, मैं महादेव के बारे में और बाकी सारे देवों के बारे में स्टडी कर रही थी, समझ रही थी, जान रही थी कि क्या है क्या नहीं है, एनर्जीज़ को, एनर्जीज कैसे फ्लो करता है, सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि काश कोई इंसान होता, क्योंकि मैं इंसान योनि नहीं हूँ, कोई इंसान भी होता जिसके साथ मैं रिलेट कर सकूँ। ऐसे में जब सदगुरु का
वीडियो पॉपअप हुआ ना, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था, ठीक है। बट जब सदगुरु का वीडियो पॉपअप हुआ ना, आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी है। और धीरे धीरे जब बाकी सबके वीडियोज़ आने लगे, सब में सबको देखने लगी, रियलाइज़ करने लगी क्योंकि आई फेल्ट अबैंडनमेंट, राइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, बात करने वाला भी कोई नहीं है ना। अगर मैं बीमार पड़ती हूँ या किसी मुसीबत में पड़ती हूँ, ऐसा कोई नहीं था मेरे दिमाग में जिसे जिस पर मैं रिलाई कर सकूँ, जिसे मैं इमीडिएटली फ़ोन करके एमरजेंसी कॉल करके रिलाई कर सकूँ कि वो आएंगे मुझे बचाने के लिए, ऐसा कोई नहीं है ना। तो द फैक्ट कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरे पहले उस रास्ते पर चल चुका है और उनके पास मेरे सवालों के जवाब है, वो सुकून अपने आप में एक अलग ही लेवल पे लेकर के जाता है। आई फील आप उस लेवल पे हो जिसके पास बहुत सारे क्लैरिटी है, तो आप मेरे रीडर्स, मेरे हीलर्स, मेरे स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हो, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप आई एम हियरिंग पब्लिक स्पीकर्स हो जो दूसरों को उनके अवेयरनेस में लाने में हेल्प करते हो, या जो काम आप कर रहे हो जिस भी फील्ड में आप हो, ठीक है, आप उम्मीद की एक नई किरण लेकर के आते हो। इट्स लाइक आप अपने वादे निभाते हो, ठीक है। और आपके जो हेटर्स है इसी बात पे हेट करते हैं क्योंकि उनकी आइडियाज़ आपसे बिल्कुल उल्टी है। वो उन पॉलिटिशियंस या उन लोगों में से है जो लोगों को जानबूझ के आधे अधूरे मेडिसिंस देते हैं या उन्हें डर फैलाते हैं, उन्हें उनका आधा इलाज करते हैं हियरिंग, ताकि उनकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक ना हो पाए और वो बार बार करके बीमार पड़ते रहे, बार बार करके वो वापस आते रहे और उनके पैसे से ये लोग अपने जेब भरते रहे, ठीक है ना। या फिर वो झूठी उम्मीद देते हैं लोगों को पर, और सबसे सपोर्ट ले लेते हैं, सबकी एनर्जी ले लेते हैं, सबके फाइनेंसेस ले लेते हैं, बट उस काम को फलित करते वक्त वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, वो अपने वादे कभी नहीं निभाते। बट यू आर डिफरेंट, आप अपने वादे निभाते हैं, राइट। एंड आपके ओपोनेंट्स जो है वो आपसे इस बात से बहुत नाराज है क्योंकि उनका बिजनेस अब ठप पर है, लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग अब आपको चाहते हैं, लोग आपको वोट कर रहे हैं, दे वॉन्ट यू, दे डोंट वॉन्ट देम, ठीक है ना। जैसे जस्ट गेट अ कार्ड, ये 4 है या 5 है मुझे नहीं पता है, मुझे वीडियो वापस से रिप्ले करके देखना पड़ेगा। आई एम हियरिंग आपका ये जो हेटर है आपके खिलाफ कैंपेन चलाने की फिराक में बहुत सारा पैसा खो बैठे हैं, उनका काम नहीं चल रहा है, देर आइडियाज, उनके जो टेक्निक्स है अब तक जो वो जो कुछ भी कर रहे थे लोगों को ठगने के लिए, आई एम हियरिंग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है जो आपके चलते वो सबके सामने आ जाए, या ये सामने आने के बाद लोग आपको चुने, ठीक है ना। दे सी द न्यू लीडरशिप इन यू, आप उनके नए लीडर हो और लोग आपको चुन रहे हैं। एंड हियरिंग उनके साइड में भी बहुत से लोग थे जो अपने मतलब से उनसे जुड़े हुए, मतलबी बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लोग, पर अब जब आपका टाइम आया है, उन्होंने जिनके साथ गठबंधन करके काम किया था, वो लोग भी छोड़ के आपके पास आ रहे। बट देन आई एम हियरिंग यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू चूज कि आप इन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हो कि नहीं, या कितने दूरी पर रखना चाहते हो। यू रियलाइज कि जो लोग इस वक्त आपकी तरफ मूव कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत सी जानकारी है जिसकी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है ताकि आप अपने प्लान्स को और बड़े स्केल में एग्जीक्यूट कर सको। उसे इट्स लाइक आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और उनके पास ऑलरेडी इस बिजनेस के बारे में बहुत सी जानकारी है, उनके पास फाइनेंस हो सकता है या उनके पास आई डोंट नो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कुछ ऐसे लोगों को जान सकते हैं जो आपके बाकी सारी चीज़ों को कवर करेगा। जैसे कि पकड़ लो अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है ना, और एक के पास आप पैकेजिंग का नंबर हो, जो लोग पैकेजिंग करते हैं, किसी के पास
रैपर्स का इंफॉर्मेशन हो, किसी के पास मटेरियल्स का इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना. सो दिस पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप उनसे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पर आपको उन्हें अपने पर्सनल लाइफ में एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं. तो आप बाउंड्री के साथ इनके साथ काम कर पाओगे, हालांकि उन्हें बहुत हद तक अच्छा नहीं लगेगा, बट देन इस वक्त उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो ओबीडियंट बन के ही उन्हें आपके साथ काम करना होगा, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत से लोगों का फ़ायदा उठाया, दूसरों के ज़िंदगी में दखल अंदाजी की है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप बहुत एक्सपीरियंस हो ऑन अ स्पिरिचुअल रेयल, ठीक है ना. सो आपको बाउंड्रीज पुल अप करना और इज्जत से काम करना आपको आता है, यू नो हाउ टू बी प्रोफेशनल, ठीक है ना. वो गले लग के ही करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम है उतना तक ही रख के, प्रोफेशन को प्रोफेशनल लेवल पे रख के ही आप अपना काम भी कर सकते हो. उनका जो पेमेंट है प्रॉपरली आप उनका हिस्सा देकर तो उन्हें सी यू टाटा बाय बाय बोल सकते हो. यू डोंट हैव टू गेट अप वेरी पर्सनल विथ एनीबडी, क्योंकि आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड क्या रह चुका है, ठीक है ना. बट देर इज़ वन स्पेसिफिक पर्सन जो आपको हेट कर रहे हैं, प्रॉबली बिकॉज पहले वो लीडर तो नहीं बॉस की पोजिशन में थे, और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बॉस और लीडर के बीच में फ़र्क क्या है, और वो आपको एज अ लीडर चुन चुके हैं. इस पर्सन को बहुत जेलेसी है आपसे, ठीक है. वो आपके खिलाफ कैंपेन भी अभी अरे चला चुके हैं, आपको गिराने की कोशिश कर चुके हैं, बट इट नेवर वर्कड, ठीक है. पीपल आर लीविंग देम एंड कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड जो आपकी तरफ आ रहे कुछ अच्छे लोग भी है और कुछ उनके साइड के भी हैं, आपके जेलेसर की तरफ से भी है, बट देन आप लोगों को उनके टैलेंट के मुताबिक भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे पाओगे. आई एम हियरिंग कि आप बहुत से नए लोगों को मौका दोगे काम करने के लिए, विच इज़ गुड. इट्स लाइक आप यंग टैलेंट्स के साथ काम करना चाहोगे. या दे आर ब्रिंगिंग इन मनी, आई टोल्ड यू ना कि उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, दे हैव दैट सपोर्ट, दे हैव वॉट यू नीड, दैट एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, कनेक्शन उनके पास है. And they're bringing it towards you. और वो समझते हैं कि अगर वो आपके साथ मैसअप करेंगे तो आप उनके साथ काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना बोलना आता है. ओके, फाइल नंबर 5 दैट बी योर रीडिंग. आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपना अगले वीडियो पे. टेक केयर, बाय.